Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Guys, welcome back to Wings Ek Udaan. Permutations and combinations के basics जो है वो इस वीडियो के जरिए आज हम क्लियर करने वाले हैं. आप सभी को मालूम होगा कि अगर हम बात करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, जो एग्जामिनेशन हो चुका है और आने वाला फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इन दोनों के सिलेबस के कंपैरिजन की बात करें तो मैथ्स में कुछ नए चैप्टर्स जो है वो ऐड हुए हैं. मिसाल के तौर पे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और उसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन बाइनोमियल थ्योरम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और एक या दो चैप्टर्स और भी ऐड हुए हैं. और बाकी वही है जो लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी थे और आज भी है. दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के जो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो बेसिक्स है वो मैं आपको समझा पाऊँ और आप ये फ़र्क कर पाओ कि क्या चीज़ परम्यूटेशन है और क्या चीज़ कॉम्बिनेशन है. बिकॉज हम जब ऑफलाइन भी पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि बच्चों को अगर पहले से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में हल्की सी जानकारी है, बट उनको ये नहीं मालूम पड़ता कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, किस सवाल के ऊपर परम्यूटेशंस को अप्लाई करना है, किस सवाल के ऊपर कॉम्बिनेशन को अप्लाई करना है, क्या फ़र्क है इन दोनों में. इन चीज़ों के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है. तो करते हैं शुरू दोस्तों परम्यूटेशंस की. अगर हम बात करें, देखो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो हैं, ये दो ऐसे शब्द हैं जो डेली लाइफ में हम इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो कोशिश करते हैं पहले इन शब्दों को थोड़ी सी ईजी लैंग्वेज में लाने की. मिसाल के तौर पर परम्यूटेशंस को आज के बाद हम बोलेंगे अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशंस को आज के बाद हम क्या बोलेंगे, सिलेक्शन. परम्यूटेशन को बोलेंगे अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सिलेक्शन. मैंने इसके बाद पहले हम बेसिक्स सीखेंगे. एक सवाल रखा है बिकॉज पहले वीडियो में मेरी कोशिश है कि बेसिक्स को समझा पाऊँ. इस सवाल के ऊपर इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, देखेंगे किस वे में परम्यूटेशन यूज़ होगा यहाँ या कॉम्बिनेशन यूज़ होगा. और जो आने वाली कुछ वीडियोज़ होंगी वहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हैं इनके वो भी समझा के आप तक पहुँचाऊँगा. बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोल दूँ, बच्चे ये कोशिश करते हैं कि ये जो चैप्टर्स न्यूली ऐड हुए हैं, ये पी एंड सी मान लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि इसके प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, पूछते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि जे एंड के में, जम्मू कश्मीर में, जो भी रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज है उन्होंने कभी भी सिलेबस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी एग्जाम में रखा नहीं है. तो आप जे एंड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली तो नहीं देख पाओगे, बट हाँ यू पी एस सी के अंडर जो आई एस आई पी एस का जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ सी सैट एक एग्जामिनेशन होता है. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बार वहाँ पूछा जाता है, आपको वहाँ से सवाल मिल सकते हैं, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जामिनेशन SSC, और वहाँ से प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस मिल सकते हैं. और बैंकिंग में भी कुछ सवाल इस चैप्टर से ज़रूर पूछे जाते हैं. मेरी कोशिश रहेगी उन सभी एग्जामिनेशन में जो भी सवाल आए होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, वो सब भी मैं आप तक शेयर कर पाऊँ. तो ये एक सिनेरियो था जो मैं आपको बताना चाहता था. करते हैं शुरू दोस्तों. मैंने आपको बता दिया परम्यूटेशन जो है उसे आप अरेंजमेंट बोलोगे, कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्शन बोलोगे. बट एक इजी लैंग्वेज में तो हम इनको लेकर आए, बट अरेंजमेंट क्या, सिलेक्शन क्या, किन चीज़ों का अरेंजमेंट, किन चीज़ों का सिलेक्शन. तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उस एग्जांपल से शायद आपको क्लैरिटी मिल पाए. देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी ना कभी बैंकिंग एग्जामिनेशन ज़रूर दिया होगा. हमारे जम्मू कश्मीर बैंक का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो बच्चे उसके लिए काफ़ी अपेयर करे हैं. तो आपको पता है कि प्रीलिमिनरी में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश. और तीनों सब्जेक्ट्स की अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो 20-20 मिनट आपको मिलते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए. तो वही एग्जांपल मैं उठा लेता हूं. देखो, तीन सब्जेक्ट्स थे हमारे, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश. अब अगर मुझे ये बोला जाए कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को उठा के आप मुझे जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं वो करके बताओ इन तीनों सब्जेक्ट्स की. मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अभी अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहले रीजनिंग सेक्शन ओपन हो सकती है, फिर मैथ हो सकता है, फिर इंग्लिश हो सकता है. इसके अलावा भी तो बहुत सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल है. पहले इंग्लिश ओपन हो सकता है, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स. पहले मैथ्स ओपन हो सकता है, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश. तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएँ हैं, वो जितनी भी संभावनाएँ पॉसिबल है वो लिख के बताओ. तो मैं आपको बोलता हूँ, शुरुआत करते हैं. मैं बोलता हूँ पहले रीजनिंग ओपन हो सकता है, फिर मैथ्स हो सकता है, देन इंग्लिश हो सकता है. ये एक संभावना पॉसिबल है. इसके साथ अगर मैं बात करूँ, ये भी तो हो सकता है कि पहले रीजनिंग ओपन हो, फिर इंग्लिश आ जाए और फिर मैथ्स आ जाए. ये भी एक पॉसिबिलिटी है, एक अरेंजमेंट है. अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि पहले मैथ्स आ जाए, देन रीजनिंग आ जाए, देन इंग्लिश आ जाए. अगेन, पहले मैथ्स भी आ सकता है, फिर इंग्लिश भी आ सकता है, फिर रीजनिंग भी आ सकता है. क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, कोई और अरेंजमेंट है? बिल्कुल. शुरुआत इंग्लिश से भी हो सकती है, मिड में रीजनिंग आ जाए, लास्ट में मैथ्स आ जाए. शुरुआत इंग्लिश के बाद बीच में मैथ्स भी आ सकता है,
लास्ट में रीजनिंग भी आ सकता है। मैंने किसी भी सब्जेक्ट को दो बार नहीं लिखा, बिकॉज क्या कभी ऐसा होगा कि इंग्लिश सेक्शन ओपन हुई, वो आपने 20 मिनट उस पर लगाए, ख़त्म होने के बाद वापस इंग्लिश आ जाए? रेपिटेशन कभी होता है? वो अलाउड नहीं होती है। तो मैंने हर सब्जेक्ट को अलग अलग रखा। ये क्लियर हुआ आपको? कितने अरेंजमेंट्स बने हैं? इन अरेंजमेंट्स को अगर मैं बोलूं, आपको लग रहा है इनके अलावा कोई अरेंजमेंट है, तो ज़रूर अपनी रफ नोटबुक पे, जो भी आपके पास होनी चाहिए, उस पे ट्राई करना कोई और अरेंजमेंट लिखने का। मैं आपको बोल रहा हूँ, यकीन मानो कि इतने ही बनेंगे, इससे ऊपर नहीं। तो कितने अरेंजमेंट्स ये टोटल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। शायद आपको लग रहा हो कि मैंने ये हॉचपॉच वे में लिखा है, तो रियलिटी ये, मैंने हॉचपॉच वे में नहीं लिखा है, मैंने बहुत एक सिस्टमेटिक वे में लिखा है, सो दैट मेरे से कोई भी एक अरेंजमेंट जो है वो मिस ना हो जाए। शायद आप में से कुछ बच्चे ये जज कर भी पाए होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले रीजनिंग को फिक्स रखा, मैथ्स और इंग्लिश को लिखा, और आपस में उनको मैंने फिर अरेंज किया। देन अगर आप ध्यान से देखो, मैंने मैथ्स को पहले रखा, उसे कॉन्स्टेंट रखा है, रीजनिंग इंग्लिश लेके आपस में उनकी शफलिंग करी है, इंग्लिश को कांस्टेंट रखा, रीजनिंग मैथ्स लेके आपस में उनकी शफलिंग करी है। तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स आ गए मेरे पास? 6। और इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लेना अगर आपको ऐसा लगता है तो। दोस्तों ये होता है अरेंजमेंट। अभी हमें अगर अरेंजमेंट समझ आया, परमुटेशन समझ आया, बट फिर भी मैं बोलूंगा आपको पूरी जानकारी नहीं मिली है, बिकॉज कॉम्बिनेशन जब तक हम समझ नहीं लेते और इन दोनों में फर्क नहीं समझ लेते, तो एक चीज़ का समझना आधा अधूरा है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, यहां 3 ही सब्जेक्ट्स लिए थे मैंने। अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाए, 5, 6 या 7, और इस वे में अगर मैं करने जाऊं, तो बहुत संभावना है कि मेरे से कोई ना कोई अरेंजमेंट मिस हो जाएगा। और ना भी हो, एक वे में चलोगे सिस्टमेटिक, तब भी वक्त लगेगा। तो वक्त को रिड्यूस करने के लिए क्या मेरे पास कोई और सोल्यूशन है इसका? बिल्कुल। मैं ऐसा करता हूँ, देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स थे, 3, और आप कितनी कितनी पोजिशंस में इनको अरेंज कर रहे हो, 1, 2, 3 में ही कर रहे हो ना। तो अब इसको देखो मैं किस वे में करने जा रहा हूँ। ये आ गई पहली पोजिशन। पहली पोजिशन में आउट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स यू कैन पुट एनी ऑफ द सब्जेक्ट। रीजनिंग भी आ सकता है, मैथ्स भी आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है। तो कितनी संभावनाएं हैं, कितने वेज आपके पास? 3। ये 3 जो दोस्तों मैंने लिखा ना, ये काउंट है। काउंट किसका? काउंट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इस पोजीशन में रीजनिंग भी, मैथ्स भी और इंग्लिश भी किसी को भी मैं फिट कर सकता हूं। एट वन टाइम यू कैन प्लेस ओनली वन सब्जेक्ट हियर ना, एक समय पे तो एक ही सब्जेक्ट डालोगे, बट डाल किसी को भी सकते हो। दोस्तों मुझे ये बताओ, जो सब्जेक्ट यहां आ चुका होगा, क्या वो आगे रिपीट होना चाहिए? जो मैंने यहां क्या कहीं किया ऐसा? क्या ऐसा होता है कि रीजनिंग सेक्शन खत्म होने के बाद वापस रीजनिंग आ जाए? ये मैंने आपको समझाया, ऐसा नहीं होता है। तो इट मींस जो भी सब्जेक्ट आ चुका होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन तीन में से आपने एक यूज कर लिया, पीछे कितने रह गए? पीछे रह गए 2। और उन 3 में से अब 2 आ चुके, पीछे कितना रह गए? पीछे रह गया 1। इनको करो दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई, 3 × 2 × 1 दैट इज 6। अगेन देखो यहां पर भी 6 आए थे, ये 6 कौन से थे? ये जो मैंने आपको काउंट करके बताए, ठीक है दोस्तों। और इधर अगर 6 आए हैं, तो लास्ट में भी मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा यूज करा और वापिस से 6 आ गए, थोड़ा समय मेरा बच गया। अगर अभी आपको लग रहा है कि दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज कहाँ है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, तो मैं इसको भी यूज करके आपको बताता हूँ और आपको आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों ये चैप्टर जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 में से उठाया गया है। क्लास 11 का जो मैथ्स का सेक्शन रहता है, वहाँ पे होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और बहुत सारे 11th के जो क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के, मैं वो आप सब साझा या शेयर करूंगा। अब करते हैं इस फॉर्मूले का यूज। फॉर्मूले में पहले हमें पता होना चाहिए एन का मीनिंग क्या है। तो n जब भी आएगा मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये जो p दिख रहा है आपको, इसका मतलब तो वही हो गया परम्यूटेशन। और ये जो r दिख रहा है आपको, इट मींस नंबर ऑफ पोजीशंस। देखो इस सवाल में वेरिएबल कितने थे? 1, 2 और 3। 3 वेरिएबल थे, तो n हो गया 3। और r क्या हो गया? कितनी पोजीशंस ली आपने? 3 पोजीशंस ली, तो r हो गया 3। ये क्लियर है? मैं फॉर्मूला यूज करके बता दूं आपको। यहां देखो आप n p r यही यूज कर रहे हैं। n हो गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स हैं, 3। p r हो गया पोजीशन 1, 2 और 3, 3 पोजीशन ले रहे हो ना, तो 3p3। अब इसे ओपन किस वे में करना है, उसके लिए मैं पहले ओपन करके बता देता हूं, बट फैक्टोरियल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जिनको नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। ओपन ऐसे होता है, पहले n का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, एन माइनस आर,
एन माइनस आर, मतलब 3 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। तो भाई अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं फैक्टोरियल के बारे में आपको जानकारी जरूर दे दूं। दोस्तों मान लो अगर मुझे बोल रहे हैं 1 फैक्टोरियल, तो 1 से शुरू हो जाऊंगा और 1 तक आऊंगा, करूंगा मल्टीप्लाई, मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 से शुरू हो जाओ, पीछे 1 तक आओ, करते रहो मल्टीप्लाई। अगर हो गया 3 फैक्टोरियल, क्या होगा, 3 से शुरू कहां तक आना है, 1 तक, तो 3 2 जा 6, 1 जा 6। अगर बोला जाता है 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24। 5 फैक्टोरियल, दिस विल बी 5 4 3 2 1, आपस में करो मल्टीप्लाई 120। मैं आपको एक हिदायत दे दूं कि आपको 7 फैक्टोरियल तक आना चाहिए, 6 फैक्टोरियल होता है 720 एंड 7 फैक्टोरियल होता है 5040। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। और 0 फैक्टोरियल अगर किसी को लगता है कि वो 0 होता है, वो 0 नहीं होता, वो 1 होता है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, वक्त लगा जरूर मैं प्रूव करके बताऊंगा। आओ अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो इधर क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट, 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। 0 फैक्टोरियल इज व्हाट, 1, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी 6। तो कितने केसेस मेरे आए, 6, यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो, यहां से भी देख लो। तो अब आपको प्रूव होना चाहिए कि अरेंजमेंट या परमुटेशन वो क्या होता है, वो समझ आ जानी चाहिए आपको। तो आई होप किसी हद तक मेरी जो ये कोशिश है वो कामयाब हुई होगी। चलते हैं आगे। दोस्तों अब करते हैं हम कॉम्बिनेशन, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर देखेंगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या था। देखो कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया सिलेक्शन, अगेन मैं एक काम करता हूं आपकी जानकारी के लिए कि आपको आसानी हो, यही 3 सब्जेक्ट्स ले लेता हूं, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। और मैं आपको बोलता हूं मुझे दो दो पोजिशन में इनको सेलेक्ट करके बताओ। तो आप मुझे बताओ एक सिलेक्शन रीजनिंग और मैथ्स, दिस इज पॉसिबल। फिर अगर मैं आपको बोलूं रीजनिंग के साथ मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकता हूं, मैथ्स के साथ मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर सकता हूं, तो ये सिलेक्शंस पॉसिबल है, सिलेक्शन ही होता है कॉम्बिनेशन। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर आप मैथ्स के साथ रीजनिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, आप इंग्लिश के साथ रीजनिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, आप इंग्लिश के साथ मैथ्स को सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत बच्चे ज़रूर ये बोलेंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि भाई बच्चों ये लास्ट में जो 3 आपने बोले हैं ना, ये तीनों गलत हैं, ये तीनों रॉन्ग है। जो सही है वो कौन से हैं, ये 3। तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हुए, कितनी सिलेक्शंस पॉसिबल हुई, ओनली 3। ये रॉन्ग क्यों है, बिकॉज आपने रीजनिंग और मैथ्स को ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया हुआ है इन 3 सब्जेक्ट्स में से। नाउ आप कर क्या रहे हो इस पोजिशन में, रीजनिंग और मैथ्स को, यहां इसकी बात कर रहा हूं, रीजनिंग और मैथ्स को आपस में अरेंज कर रहे हो। और अरेंजमेंट क्या होता है, वो परम्यूटेशन होता है। यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड रीजनिंग एंड मैथ्स, नाउ यू आर अगेन सिलेक्टिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स। दिस इज नॉट पॉसिबल इन कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन, दिस इज अरेंजमेंट, दिस इज परम्यूटेशन। ये नहीं करना आपको। वैसे अगर आप देखो रीजनिंग इंग्लिश सेलेक्ट कर चुके थे, वापिस से आपने रीजनिंग इंग्लिश को सिलेक्ट किया, मैथ्स इंग्लिश सेलेक्ट कर चुके थे, वापिस से आपने मैथ्स इंग्लिश को सिलेक्ट किया, इनको नीचे किया क्या आपने, शफल, अरेंज, अरेंजमेंट थोड़ी नहीं करना हमने, हमने सिलेक्शन करनी थी। तो आपने 3 सिलेक्शंस इनकी कर चुके हो, दोबारा से इनको सिलेक्ट करोगे वो रॉन्ग है। और अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूले से मैं ये प्रूव करके बताऊं, तो मैं फॉर्मूले से भी प्रूव करके बता देता हूं। दोस्तों ये देखो फॉर्मूला क्या है, एनसीआर है ना, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगेन कितने वेरिएबल है आपके पास, 3, ये लीजिए 3। सी आर क्या हो गया, नंबर ऑफ पोजिशंस, कितनी पोजिशंस है, 2, 3C2। कैसे ओपन होता है देखो, That comes out to be NCR क्या हो गया, n factorial upon r factorial into n minus r। इसमें और इसमें एक ही फर्क है, देखो n factorial upon n minus r यहां भी है और यहां भी है, नीचे r factorial extra आ गया, सिर्फ ये difference है। तो यहां क्या होगा, 3 factorial upon 2 factorial into 3 minus 2 factorial, ये फर्क है बस, 3 factorial upon 2 factorial into 1 factorial। 3 factorial कितना होता है, 6, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। इनको अगर आप करोगे सॉल्व तो क्या आपका आंसर 3 नहीं आएगा, तो क्या यहां पर 3 नहीं आया था, तो यहां से भी शायद आपको संभावना ये जो भी थी समझाने की वो समझ आ चुका होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद आप में से कोई स्टूडेंट ये जरूर बोलेगा सर आपने नाइंसाफी की है, यहां आपने 3 सब्जेक्ट लिए,
तीन पोजीशंस भी ली, तीन सब्जेक्ट यहाँ भी लिए, पोजीशन तो दो ही ली। सर यहाँ पे प्रूव करके बताओ कि तीन पोजीशन लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको वो भी करके बता देता हूँ। दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा पोर्शन है जो यूज़ करना है, अवॉइड बाहर की चीज़ों को थोड़ी अवॉइड करने की कोशिश करो। मैं काम करता हूँ अगेन, यही तीन सब्जेक्ट लिए ना मैंने, रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश, और अगर आप बोल रहे हो कि सर तीन पोजिशन में इनको सेलेक्ट करके बताओ, तो देखो भैया ये रीजनिंग, ये मैथ्स, ये इंग्लिश, खत्म, इतना ही था। बिकॉज आपने एक बार रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश को सेलेक्ट कर लिया, अब अगर इसके बाद आप कुछ करते हो, वो इनकी शफलिंग करोगे, वो इनका अरेंजमेंट करोगे, और हमने शफलिंग या अरेंजमेंट नहीं करना, हमने सिलेक्शन करना है। तो आप इन तीन सब्जेक्ट को एक बार सेलेक्ट कर चुके तो इसका आंसर जस्ट वन। और अगर आप चाहते हो कि भाई इसको भी फॉर्मूले से प्रूव करो, तो ये देखिए NCR, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ पोजीशंस भी कितनी थी 3, कैसे ओपन होगा, एक बार 3 का फैक्टोरियल, एक बार नीचे वाले 3 का फैक्टोरियल, देन दिस माइनस दिस कितना होता है 0 फैक्टोरियल। ये देखो 3 फैक्टोरियल कट हो गया, क्या रहेगा ऊपर 1, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 अपॉन 1 इज व्हाट 1, इधर भी कितना आया था 1। तो ये फर्क है परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस में। आई होप आपकी ये प्रॉब्लम में किसी हद तक दूर कर पाया होगा। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ होती है परमुटेशन और क्या चीज़ होती है कॉम्बिनेशन, इनमें फ़र्क क्या होता है। एक सवाल में भी आपके लिए लेकर आया हूँ, एक बार कैमरा देख लेते हैं। एक्चुअली बहुत देर के बाद वीडियो बनाने लगे हैं, तो कुछ चीज़ों की आदत उतनी रही नहीं, रिपीट करते हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ फॉर्मूले को इसी के ऊपर, तो हमें और समझ आएगा किस वे से हम चीजों को कर रहे हैं। करें दोस्तों, चलिए चलिए, आई होप आपने उतार लिया होगा। अगर बीच में स्क्रीन को कहीं पर रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने का शायद मैंने आपको वक्त नहीं दिया शुरुआत में, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं तो इतनी चीज़ों का अंदाज़ा रहा नहीं मुझे। करते हैं रिपीट, हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल यूजिंग दीज डिजिट्स। देखो आपको बोल रहा है 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, आपके पास ये कुछ डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके आप कितने 4-डिजिट नंबर्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हो। देखो आपको करना है फॉर्म 4-डिजिट नंबर, 1 पोजिशन 2, 3 और 4, ये मैंने 4-डिजिट नंबर के लिए 4 प्लेसेस ड्रॉ कर लिए। आपको सबसे पहले ये काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं आपके पास। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो टोटल डिजिट्स हमारे पास 7 है। देखो यहाँ पर एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, वो लिखेगा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, बीच में एक मिस कर गया, और अगर आपको काउंट करना है तो बच्चा जल्दी से देखेगा कि सीक्वेंस में डिजिट्स लिखे हैं, 9 तक लिखा हुआ है, इट मींस 9 डिजिट्स होंगे, बट वहाँ कोई ना कोई उसने मिस किया होगा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए 7, आपको कितने कितने डिजिट नंबर बनाने हैं 4 डिजिट नंबर। अब कैसे 4-डिजिट नंबर पॉसिबल है, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या मैं एक ऐसा 4-डिजिट नंबर बना सकता हूँ 2367, 2367 बना सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इन डिजिट्स का इस्तेमाल किया है, और पहला पार्ट बोल रहा है डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो 2367 में कोई रिपीट भी नहीं हुआ है, ये पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है 3781? बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, क्योंकि इन डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ, कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हुआ है। क्या ये पॉसिबल है 2363? ये पॉसिबल है, ये नहीं है, क्योंकि 3 जो है वो रिपीट हो गया, और पहला पार्ट बोल रहा है डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। तो शायद आपको ये पता चला कि मैंने किस तरह के 4-डिजिट नंबर्स बनाने हैं। क्या ये पॉसिबल है 2375, कोई डिजिट रिपीट हुआ? नहीं, 4-डिजिट नंबर है, बट भैया यहां 5 आपने यूज कर लिया, क्या 5 आपके पास ऊपर पड़ा था? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको मालूम पड़ा क्या क्या पॉसिबल है, करते हैं सॉल्व। दोस्तों पहली पोजीशन पे आप इन 7 में से कितने डिजिट्स डाल सकते हो मुझे बताओ, इन 7 में से किसी भी डिजिट को मैं डाल सकता हूं पहली पोजिशन में, इट मीन्स फर्स्ट पोजिशन को फिल करने के लिए मेरे पास 7 डिजिट्स हैं। मैं अगेन आपको बोल दूं, ये 7 कुछ बच्चों को ये लगता है कि मैंने यहां से उठाया है, मैंने यहां से नहीं उठाया है, ये 7 क्या है, ये काउंट है डिजिट्स का, क्योंकि टोटल डिजिट्स थे ना 7, मैं इस पोजीशन में इन 7 में से किसी भी डिजिट को फिट कर सकता हूं, ये काउंट है। ये क्लियर हो गया आपको?
जो भी डिजिट आया होगा यहाँ, क्या वो वापस आ गया, रिपीट होना चाहिए? अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। फिर कितने रह गए पीछे मेरे पास इस पोजीशन पे डालने के लिए? 6। 7 में से कितने यूज हो गए? 2। पीछे कितने रह गए? 5। अब कितने रह जाएंगे? 4। कितना आसान हो गया हमारे पास इन सवालों को सॉल्व करना। देखो करो मल्टीप्लाई, 7 6 42, 5 4 20, 42 into 2 84। इट मीन्स 840 आप ऐसे 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो जहां डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। और भरोसा रखो इन 840 में से मैंने ये 2 आपको 4 डिजिट नंबर्स बना दिए। और अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो बाकी आप 838 जो रह चुके हैं वो बना के देखना, वही आएंगे। और वो वाजिब नहीं है क्योंकि बहुत लंबा तरीका है, वैसे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट तरीका था जो मैं चाहता था आप तक आपको समझ आ जाए। जैसे ये 2 बनाए ना दोस्तों हमने, वैसे ही 838 और 4 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास? 840। और ये 840 ऐसे इस तरह से आप 4 डिजिट नंबर बना सकते हो, और बीच में जो नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं कर रहे हमने डिजिट्स। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, दूसरे पार्ट की। दोस्तों आप क्या बोल रहे हो कि आप डिजिट को रिपीट कर भी सकते हो। अगेन 4 डिजिट नंबर बनाना है, मैंने 4 प्लेसेस बना दी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, आगे सवालों में हमें मदद करेगा। पहली पोजीशन पे इन 7 में से आप किसी को भी फिट कर सकते हो, किसी को भी। तो मैं क्या लिख रहा हूं? 7। अब मुझे बताओ, चलो आप अगर चाहते हो कि सर कुछ एग्जांपल्स दे दो, जैसे आपने इनकी दी मैं वो भी दे देता हूं। देखो मिसाल के तौर पे 9888, क्या मैं ये एक 4 डिजिट नंबर बना सकता हूं? बिल्कुल, डिजिट रिपीट हुए और रेपिटेशन पॉसिबल है, बोल रहा ना डिजिट्स कैन बी रिपीटेड सेकंड पार्ट में। क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? 9772, बिल्कुल डिजिट रिपीट हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके आप एक 4 डिजिट नंबर बना रहे हो तो ये भी पॉसिबल है। तो आप मुझे बताओ इन 7 में से इस पहली पोजीशन पे किसी को भी डाल सकते हो ना, तो मैंने 7 लिखा। जिस डिजिट को आपने डाला होगा क्या वो आगे रिपीट होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो यहां पर भी कितने आएगा? 7। आगे भी कितना आएगा? 7। लास्ट में भी कितना आएगा? 7। क्यों? क्योंकि इस बार कोई लिमिट नहीं लगी हुई, किसी भी डिजिट को आप आगे रिपीट कर सकते हो कितने भी बार। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 343, 7 का क्यूब हो गया 343। 343 into 7, 7 3 are 21, 7 4 are 28 और 2 30, 7 3 are 21 or 3 24। तो 2401 आप ऐसे 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो जहां डिजिट्स जो है वो रिपीट हो भी सकते हैं। तो ये था आपका पहला सवाल। अब बात आती है दोस्तों बच्चों का जो एक क्वेश्चन रहता है कि सर फॉर्मूला तो हमने यूज नहीं किया, फॉर्मूला क्या इनमें इंप्लीमेंट हो सकता है, यूज हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जिन सवालों को जिस तरीके से मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा उनको उसी वे में करना है, और आपको खुद ही 10-15 सवालों के बाद ये आइडिया मिल जाएगा कि इन सवालों को सॉल्व कैसे करना है, कि फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं करना। फिर भी अगर आप चाहते हो फॉर्मूला यूज करना तो मैं बता दूं, पहले पोर्शन में फॉर्मूला यूज हो सकता है बट दूसरे में यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं वक्त है क्या हमारे पास। शायद आपको याद होगा कि कैमरे से जो शूटिंग होती है 30 मिनट से ऊपर नहीं होती है, पुराने दिन वापस याद आ रहे हैं। तो करते हैं शुरू। दोस्तों मैं आपको ये बोल रहा हूँ फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमें कॉम्बिनेशन का लगाना है कि परमोडेशन का, ये सोचना है ना पहले। तो देखो दोस्तों इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके आपने 2 3 6 7 एक 4 डिजिट नंबर बनाया, क्या मैं एक ऐसा 4 डिजिट नंबर बना सकता हूं? 6 7 3 2 बना सकता हूं, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। और आपने किया क्या है, अगर आप देखो इन्हीं डिजिट्स को 6 7 3 2 इन्हीं को आपस में शफल किए, अरेंज किए, और अरेंजमेंट क्या होता है? परम्यूटेशन होता है। तो यहां से मुझे पता चला कि इस फॉर्मूले में हमने परम्यूटेशन लगाना है इस सवाल में। तो परम्यूटेशन लगाना है तो फॉर्मूला तो होता है NPR। N का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने हैं हमारे पास? 7। R का मतलब नंबर ऑफ पोजिशंस, कितनी है? 1 2 3 4 4। ओपन कैसे करते हो? ओपन करते हो 7 factorial divided by 7 minus 4 factorial, याद है? दिस विल बी 7 factorial upon 3 factorial। अब ऐसा नहीं है कि आप 7 factorial की पूरी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्या बेनिफिट उसका, नीचे 3 factorial पड़ा हुआ है ना, तो इसको ओपन करो, नीचे से कट कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे? 7 6 5 4 into 3 factorial divided by 3 factorial। आप में से शायद किसी को लग रहा होगा सर आपने यहां तक क्यों रोका, आगे क्यों नहीं गए हो, क्योंकि नीचे सेम पड़ा हुआ था
और ये आपस में कट होना था, इसलिए मैं यहाँ तक रुका। तो भाई बच्चों, अगर आप देखो ध्यान से, क्या ये 7654 वही नहीं आया जो हमारा यहाँ आया था? तो इसका मतलब आंसर तो फिर वही आएगा ना, 840। क्लियर है? तो इस वे में आप फॉर्मूला यूज करना चाहो कर सकते हो, बट मैं क्यों बोल रहा हूं कि दूसरे पोर्शन में ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, बिकॉज दूसरी पोजीशन के लिए, दूसरे सवाल के लिए अगेन आपके पास n की वैल्यू कितनी होगी, 7, नंबर ऑफ वेरिएबल 7। अगेन पोजीशन कितनी है, 1, 2, 3, 4। अगेन यूज करोगे आप 7p4, अगेन आंसर आएगा 840, बट सेकेंड पार्ट का आंसर तो 2401 है, क्योंकि फॉर्मूले का कोई ना पता है कि आप डिजिट्स को रिपीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट ऐसा आंसर देगा जहां रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है, और पहले हिस्से में डिजिट को रेपिटेशन डिजिट्स की अलाउड नहीं थी, इसलिए उसने फॉर्मूला जो है वो इंप्लीमेंट करवा दिया अपने पे। सेकंड पे ये यूज नहीं हो सकता, सेकंड का आंसर भी वही आएगा, कौन सा, 840, अगर आप फॉर्मूला यूज करते भी हो। अब आपको समझ आई मैं क्या बोलना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि फॉर्मूले को पता नहीं है कि आपने कौन सी कंडीशन लगाई है, कौन सी नहीं लगाई। फॉर्मूला जो है वो कंडीशन लेस आंसर्स निकालता है विदाउट एनी कंडीशंस, और बाय डिफॉल्ट याद रखना किसी भी सवाल में अगर आपको ये नहीं बताया जाता कि डिजिट्स रिपीट करने हैं या नहीं करने हैं, रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। अगर होती है तो उसको लिखना पड़ेगा कि रेपिटेशन अलाउड है। तो दोस्तों ये थे बेसिक्स परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के, मेरी कोशिश रही कि मैं आप तक इनके बेसिक्स क्लियर कर पाऊँ, और यकीन माने मैं खुद ये मानता हूँ मैं काफ़ी देर के बाद वीडियो बनाने लगा हूँ, इसलिए एक दो वीडियोज़ और बनाएंगे, वापस से फॉर्म में आएंगे तो आप तक ये जो भी बेसिक्स है वो क्लियर करवा पाऊँगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, और इसके बाद नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स प्रोवाइडेड है, मेरा खुद का इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो भी दिया होगा, लिंक दिया होगा, आप चाहते हो तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे 5-6 वीडियोज हो जाएंगी मैं इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। रखते हैं आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नए लेक्चर के बाद। शुक्रिया।